नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो रीट शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, अंतिम विज्ञप्ति को लेकर दोस्तों। इसी के साथ आपके 50,000 पदों में बढ़ोतरी को लेकर और इसके साथ दोस्तों आपके रिजल्ट को रद्द करने को लेकर भी हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी उस पर दोस्तों कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब दोस्तों आपको जो अंतिम विज्ञप्ति जारी होने के बाद कैसे आपको आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने नंबर पर दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांस हैं दोस्तों, क्योंकि पद आपके बढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अंतिम विज्ञप्ति में जो आपके पद में बढ़ोतरी होकर आपके दोस्तों जो है अंतिम विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो पूरी अपडेट दोस्तों इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में दोस्तों अगर आप रीट के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो कल की दोस्तों अपडेट अब दिखा देता हूँ। कल आपका रीट को लेकर दोस्तों जो है हाई कोर्ट में दोस्तों सुनवाई हुई थी। तो कुछ लोगों के लिए लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों। हालांकि अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, इस रिकॉर्ड को लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 17 नवंबर तक टाल दी है। जहाँ दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया, उसमें कहा गया कि कुछ लोगों की वजह से हम लाखों अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द नहीं कर सकते हैं। जो रीट भर्ती 2021 में कथित पेपर लीक मामले में बोर्ड और सरकार से जवाब पेश किया गया है दोस्तों, और इसकी जो अगली सुनवाई है वो 17 नवंबर तक टाली गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता MS सिंघवी और बोर्ड की ओर से अधिवक्ता बिहान शाह ने अदालत में बताया कि मामले में SOG की जांच लंबित चल रही है। मामले में कुछ लोगों की लिप्तता सामने आई है, ऐसे में उसका परिणाम रोक लिया गया है। कुछ लोगों की नकल को लेकर लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों अंतिम डिसीजन आना बाकी है। वहीं दोस्तों रीट में अंतिम आवेदन के आधार पर परिणाम जारी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे, लगभग 22,000 स्टूडेंट ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने एक से ज़्यादा आवेदन किए थे। तो इन एक से ज़्यादा आवेदन करने वालों का जो अंतिम आवेदन है दोस्तों उसको ही यहाँ पर दोस्तों सही ठहराया गया है और उसी के आधार पर आपका रिजल्ट जारी किया गया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है उन्होंने SST से एग्जाम दिया है लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो साइंस से आया है। तो यानी कि उन्होंने साइंस और SST दोनों से अप्लाई किया था, इस वजह से दोस्तों साइंस का जो है रिजल्ट उनका दिया गया, यानी कि पिछला जो आवेदन है दोस्तों अंतिम आवेदन उसको सही ठहराया गया है दोस्तों। रीट के 31,000 से 50,000 पदों करने को लेकर भी लगातार स्टूडेंट सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और दोस्तों इसको लेकर ट्विटर पर ट्रेंड भी चला जा रहा है, आप भी दोस्तों उसमें भाग लें। लेकिन दोस्तों जिनकी गलत OMR सीट आई है उनका रिजल्ट में दोस्तों गड़बड़ी है, उनका रिजल्ट दोबारा आएगा। या दोस्तों जिन स्टूडेंट का रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई है उनको 8 से 13 नवंबर तक आपत्ति लगाने का समय दिया गया है। ये आपत्ति को स्वीकार करने के बाद उनको सूचीबद्ध करते हुए 14 या 15 नवंबर तक दोबारा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों 15 नवंबर को आपकी जो विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अगर आपके पद बढ़ते हैं दोस्तों तो 50,000 पदों पर आपकी जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा दोस्तों आपकी जो है विज्ञप्ति है वो जारी की जाएगी। इस बार दोस्तों 11 लाख अभ्यर्थियों ने दोस्तों रीट में क्वालिफाइड किया है। लेवल फर्स्ट में 3,30,000 और दोस्तों बात करूं रीट लेवल टू में दोस्तों तो 7,73,000 स्टूडेंट ने क्वालिफाइड किया है। टोटल 11,04,216 स्टूडेंट ने क्वालिफाइड किया है, यानी कि जो 11,04,216 स्टूडेंट है दोस्तों इनके नंबर दोस्तों योग्यता से ज़्यादा आए हैं, यानी कि 90 नंबर से ज़्यादा आए हैं या 60% यहाँ पर नंबर लाने होते हैं दोस्तों। तो अब इनके बीच दोस्तों जो है कंपटीशन रहेगा, बाकी के सभी कैंडिडेट बाहर हो गए हैं दोस्तों। अब देखना होगा दोस्तों कि इनमें कितनी कट ऑफ जाती है। हालांकि दोस्तों कट ऑफ को लेकर मैं वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों, निर्मल गहलोत ने भी ट्वीट किया है 50,000 पद करने को लेकर। अब दोस्तों रीट के पद बढ़ाकर 50,000 करोड़ को लेकर आपको ट्रेंड करना है दोस्तों। अंतिम विज्ञप्ति आती है दोस्तों आपको आवेदन करना होगा और आवेदन के लिए दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये 5,000 पदों को बढ़ाने को लेकर भी दोस्तों जो है स्टूडेंट की मांग है कि विशेष शिक्षकों के 5,000 पद इसमें बढ़ाए जाएँ दोस्तों, और इसी के साथ जो BEd है दोस्तों लेवल फर्स्ट से बाहर करने को लेकर भी अंतिम फैसला आपका 22 नवंबर को आ जाएगा। और BEd दोस्तों बाहर होता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है BSTC वालों की वो कम हो जाएगी लेवल फर्स्ट की, क्योंकि BEd वाले इसमें से बाहर हो जाएगा दोस्तों। इसको लेकर 22 नवंबर का इंतजार करना होगा और ये आपको डॉक्यूमेंट दोस्तों जरूरत पड़ेगी जब आप दोस्तों जो है आवेदन करेंगे अंतिम विज्ञप्ति के लिए। फाइनल जो सूची आएगी दोस्तों और फाइनल सूची की जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो आपकी
कुछ इस प्रकार रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि फाइनल जो विज्ञप्ति आएगी उसकी कट ऑफ किसनी रहने वाली है। तो 125 तक आपकी लेवल फर्स्ट की कट ऑफ जाएगी दोस्तों, और 122 में OBC की, EWS में 122, MBC में 121, SC और ST में 170, 114 कट ऑफ आपकी रहने वाली है। इसी प्रकार दोस्तों बात करूँ मैं आपकी लेवल टू की, तो लेवल टू में जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों 120 से 122 रहने की संभावना है। लेवल फर्स्ट की 125, ये दोस्तों बिल्कुल सटीक कट ऑफ है। इतने अगर आपके नंबर है तो आपके चांसेस रहेंगे दोस्तों, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए दोस्तों लगभग 62,000 स्टूडेंट को लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद 62,000 स्टूडेंट दिए जाएंगे। इनमें से दोस्तों आपकी जो नियुक्ति दी जाएगी 31,000 पदों पर, अगर आपकी सीट नहीं बढ़ती है तो फिर उसके बाद अगर सीट खाली रह जाती है दोस्तों तो इनमें से ही आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है दोस्तों रीट को लेकर, और हो सकता है दोस्तों आपके लिए जल्द ही 50,000 पदों को लेकर सरकार कोई ना कोई जो है फैसला दे, लेकिन अभी दोस्तों कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। हालांकि स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं, अब देखना होगा सरकार 50,000 पदों में बढ़ोतरी करती है या फिर नहीं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को भी लाइक करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।